देखिए, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। अभी एक्चुअली छुट्टियां हैं, इसीलिए उन्होंने देखो बदमाशी की। 11 मई को ऑर्डिनेंस आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी 11 मई से शुरू कर दी थी, अंदर हरकतें चल रही थी। लेकिन 19 मई को शाम को 5 बजे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया, रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। इनके दिल में काला है, इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो ये 1 महीना इन्होंने बर्बाद किया। तो अब ये ऑर्डिनेंस को इन्होंने, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम करेंगे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए तो सारी पार्टियों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी, देश सुप्रीम है। और जब देश की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब जनतंत्र की बात आएगी, तो कोई पार्टी अलग नहीं है, हम सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है, और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया। तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। हाँ।